नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सही है। आज आप लोगों के सामने थाई रेड वाटर एप्पल के बारे में बात करेंगे। हमारा सामने जो पौधा देख रहे हैं, ये हमारा 2 साल का पौधा है, मदर प्लांट बोल सकती है, थाई रेड वाटर एप्पल है। हमारा पिछले वीडियो में हम लोग जो छोटा जो मार प्लांट डिलीवर करते कस्टमर को, उनका फोटो दिखाया था, उनका वीडियो दिखाए थे, तो वहाँ पर कुछ कमेंट आई थी मदर प्लांट फ्रूट के साथ देखने के लिए। तो हमारा सामने देखिए, ये देखिए हमारा सामने जो पौधा है, ये थाई रेड वाटर एप्पल। देखिए पौधा, देखिए सुंदर, कितना सुंदर फ्रूट है। और देखिए अभी भी सब छोटा है, एक फ्रूट निकल गया, अभी भी रेड कलर नहीं आई आ रहा है, ठीक है ना। कितना कितना ज़्यादा फ्रूट आ रहा है देखिए आप। देखिए प्लांट, देखिए हमारा टॉप के अंदर ही है, टॉप के अंदर। जो लोग सात बागान करना चाहती है, हमारा पास से जो लोग थाई रेड वाटर एप्पल का जो परसेस किया, जो लोग ट्रेस गार्डन करना चाहती है, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, ये वीडियो जरूर देखिए। और जो लोग देख रहा है, जिनको फ्रेंड वगैरह है, वो उसको बोलूँगी ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए, टैग करिए। हमारा सामने एग्जांपल है, देखिए छोटा टॉप के अंदर है, टॉप के अंदर प्लांट। देखिए हमारा सिर्फ 5 फीट का हाइट है प्लांट का। और देखिए कितना शानदार फ्रूट आया, कितना शानदार फ्रूट आप देख लीजिए, आप लोग खुद ही थोड़ा सा देख लीजिए फ्रूट कितना है, कितना शानदार और रेड कलर का फ्रूट है। फ्रूट का साइज देखिए, लेकिन अभी भी पूरा कलर रेड नहीं आई, इसको पूरा रेड कलर हो जाएगा, पूरा का पूरा रेड कलर हो जाएगा, अंदर बाहर सब कुछ रेड हो जाएगा। खाने में बहुत टेस्टी होता है, देख रहा है ना, तो इसको रेड कलर भी होता है, खाने भी टेस्टी होता है। और इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, अभी भी इसको 200 ग्राम का करीब हो रहा है, तो इसको मैक्सिमम होगा 300 ग्राम मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा कभी कभी होता है, जो ग्रोथ का ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना ज़्यादा फ्रूट आता है, और इसको बेनिफिट, इसको हम लोग ज़्यादा केयर नहीं करते, जो लोग साधारण में करते हैं उन लोगों के लिए एकदम अच्छा पौधा है। और जो लोग फार्मिंग करना चाहती है, जो लोग चाहते हैं खेती करना चाहती है, मार्केट में भाव बहुत ज़्यादा है। और इसको फलन तो आप लोग देख लीजिए, एकदम मिट्टी के नीचे से आगे तक कितना फलन है, अरे एक एक थोका में देखिए कितना फ्रूट है। तो इसमें क्या होता है, जो लोग फार्मिंग करना चाहती है उन लोगों के लिए भी ये अच्छा होता है। तो फ्रेंड, हमारा पिछला वीडियो में बहुत सारा लोग कमेंट करते हैं, सर हमने तो फ्रूट लिया है, प्लांट तो लिया है, फ्रूटिंग भी आ रहा है, बहुत फ्रूटिंग ना झड़ जा रहा है। देखिए हमारा भी झड़ रहा है, लेकिन इसको होता क्यों होता है, इसलिए जब हमारे इस तरफ छोटा छोटा जब फ्रूट आता है ना, उस टाइम इसके ऊपर नहीं, देखिए अभी एक झड़ गया, अभी हाथ दिया उसके वजह से झड़ गया। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत विटामिन बी जरूरत होता है, अनुखाद तो बोलता है, विटामिन स्प्रे करना पड़ता है, फंगासाइड स्प्रे करना पड़ता है। तो ये सब करेंगे ना तो फ्रूट और जो फ्लावर जब आता है उस टाइम आपने एक फंगासाइड स्प्रे कर दिया, उसके 10-15 दिन के बाद आप एक विटामिन स्प्रे कर दिया, तो आपको फ्रूट आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट आ जाता है, ठीक है, कोई झड़ता नहीं है। देखिए हमारा भी झड़ा है, बहुत फ्रूट झड़ा है, देखिए आप लोग खुद ही देख लीजिए, बहुत फ्रूट झड़ा है। और इसको और एक कारण होता है, जो ज़्यादा फ्रूट, अब बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, सर हमारा भी तो फ्रूट और फ्लावर कुछ नहीं आ रहा है, प्लांट अच्छे से ग्रो भी नहीं कर रहा है। तो उन लोगों को बोलूँगी, देखिए ये जो मिट्टी, देखिए आप लोग हमारा यहाँ से ध्यान से देख लीजिए मिट्टी, ये देखिए मिट्टी देखिए कितना ड्राई है ऐसे, ठीक है ना। ज़्यादा पानी देंगे ना तो ज़्यादा मर जाता है, प्लांट ग्रोथ नहीं होता है, शिकड़, इसको जो रूट है, रूट डैमेज हो जाता है। और उसके बाद जब ज़्यादा अगर पानी नहीं देंगे ना, तो उसका हमारे प्लांट का पानी का कम होने की वजह से भी मर जाता है। तो पानी एकदम सही सलामत देना होता है, एकदम आपको मतलब केयर करके देना है, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है, कम मात्रा में भी पानी नहीं देना है, ठीक है। तो आपको पानी कैसे देना चाहिए, देखिए इसमें देखिए थोड़ा सा मॉइस्चर है, देखिए ऊपर से ड्राइनेस है ना, तो इसको ना अभी पानी का जरूरत है। दूसरा मैं दिखाना चाहती हूँ, इस टाइप का जब देंगे, देखिए अभी देखिए इसमें ऊपर में मॉइस्चर है, तो इस टाइप का जब रहेगा, पानी देने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस टाइप का जब रहेगा पानी देने का कोई ज़रूरत नहीं इसमें, जब तो लेवल का पानी है, जितना पानी चाहिए प्लांट का उतना पानी है। तो पानी भी बहुत मैटर करती है ज़्यादा ग्रोथ अच्छे से करने के लिए। इसमें मायने में फर्टिलाइज़र क्या देना है, मैं पिछले बहुत वीडियो में बताई है, इस वीडियो में बता ही देते हैं। इसमें मिक्सर यूज़ करते हैं, मिक्सर में क्या रहती है,
चिंकुसी बोंडास होंडास काउडंग और आपको मास्टर केक। तो महीना में एक बार दे देंगे, यूज करेंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काला देखिए, मैं दो दिखाती हूँ, काला रेड कलर आ रहा है, अभी भी पूरा रेडनेस नहीं आई है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रेड हो जाएगा। खाने में बहुत टेस्टी है, एकदम मीठा है, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट देता है। आपको जो फार्मिंग करना चाहती है उनका बेनिफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट में भाव ज़्यादा है। जो लोग टेरेस गार्डन करना चाहते हैं, शॉकिंग के लिए करना चाहती है, वो लोग भी हमारा ये पौधा परचेस कर सकते हैं हमारा न्यूनस प्लान वेबसाइट और ऐप से। जो इसको डिस्क्रिप्शन का नीचे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे, हमारा न्यूनस प्लान वेबसाइट और ऐप से इसको परचेस लिंक मिल जाएगा, वो आपसे जाके ऑर्डर कर सकती है। हमारा यूट्यूब चैनल में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा, वो आपसे जाके ऑर्डर कर सकती है। हमारा प्ले स्टोर में हमारा न्यूनस प्लान ऐप भी है, हमारा वेबसाइट भी है, तो बहुत सारे तरीके से आपको मिल जाएगा। हमारा साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो भी मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको खुशखबरी है, हम लोग बहुत जल्दी ब्रांच लॉन्च करने वाला है, ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच लॉन्च करने वाला है। तो ब्रांच में भी कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए।